है रॉकी, क्या कहा यश ने एक इंटरव्यू में, क्या है प्रशांत नील का स्ट्रेस बस्टर, क्या कहा प्रशांत ने अपने बच्चों के बारे में। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मंगीशा। तो आज हम बात करेंगे KGF 3 के रिलीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटरेस्टिंग एंड हिडन फैक्ट्स अबाउट KGF फ्रेंचाइजी। बात करें KGF फिल्म की अब तक की कमाई की तो KGF 1 और 2 ने टोटल 1250 करोड़ कमाए हैं, जिसमें से 435 करोड़ सिर्फ हिंदी वर्जन से अकेले कमाया गया है। प्रशांत ने यह भी कहा कि और कितने पार्ट्स बनाएंगे, पर जब तक ऑडियंस पसंद करेगी वो बनाएंगे। और जब एक इंटरव्यू में यश से पूछा गया कि बहुत सारे एक्शन फिल्म की है आपने मारधाड़ वाली, पर इसमें और इंटेंस मारधाड़ होगी तो ये बाकी मूवीज से अलग कैसे है, जिस पे यश कहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन और स्टंट्स के बारे में नहीं है, ये बात है पर्पस की। जब कोई वॉर का या फाइट का सीन चलता है तो वो सिर्फ फाइट्स नहीं बल्कि एक पर्पस होता है, क्योंकि कोई भी चीज किसी पर्पस से नहीं होती। और यहाँ भी यश का एक पर्पस है और वो है अपनी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस, जो वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। And we should also make the film in such a way that it impresses the mass and one can sit and enjoy with its whole family. और यश ये भी कहते हैं कि अगर आप कैरेक्टर्स को ध्यान से देखें तो you will see every dialogue have a thought process of its own. और यश ये भी कहते हैं इंटरव्यूअर से कि मुझे खुशी हुई कि आपने डबिंग पे ध्यान दिया, क्योंकि हम कन्नाडा डबिंग से ज्यादा और भी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज। और वहीं दूसरी तरफ जब प्रशांत नील से बात हो रही थी और उनसे पूछा गया कि उनका स्ट्रेस बस्टर क्या है तो उन्होंने बोला आई वॉच कुकिंग वीडियोस। वो हंसते हैं और जोड़ते हुए कहते हैं कि लोग देखते हैं स्पोर्ट्स मूवीज एंड डिफरेंट स्टफ्स ऑन यूट्यूब, लेकिन मैं देखता हूँ कुकिंग वीडियोज एंड दे आर अमेजिंग। इससे ये पता चलता है कि प्रशांत को खाना बनाना कितना ज्यादा पसंद है और वो जब भी फ्री होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो वो कुकिंग वीडियोस देखते हैं या तो वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कुक करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कुकिंग बहुत ही क्रिएटिव काम है, इट हेल्प मी अ लॉट एट माय वर्क। फिर जब उनसे पूछा गया कि कोरोना में कैसा रहा काम, फैमिली से कैसे रहा बातचीत, तो उन्होंने कहा कि कोरोना जब शुरू हुआ तब आई वॉज एट माई ऑफिस ओनली टॉकिंग माई पोस्ट प्रोडक्शन पर। इन सब चीज़ों ने मुझे मेरे फैमिली और बच्चों से बहुत दूर कर दिया। और वो ये भी कहते हैं कि अब सब सही है और KGF 3 की तैयारी शुरू है। आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ।